अस्सलाम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक अल राजी से आप किस तरह पैसे ऐड कर सकते हैं एसटीसी पे अकाउंट में। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप बैंक अल राजी है, बैंक अल आहली है, आपकी कोई भी बैंक है, तो उससे आप किस तरह एसटीसी पे में पैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आप मोबाइल स्क्रीन पर आप सबसे पहले आप जाएँ एसटीसी पे एप्लीकेशन को आप ओपन करें, ठीक है, आपके मोबाइल में। मेरे मोबाइल में ये है, मैं इसे ओपन करता हूँ। आपने इसे ओपन करना है दोस्तों। एसटीसी को आपने जो पिन कोड लगाया था अकाउंट बनाते वक्त, वो आप पिन कोड अपना ऐड करें। मैं अपना अकाउंट लगा देता हूँ इधर दोस्तों। ये मैंने पिन कोड इंटर कर दिया है अभी। ये मेरे पास ओपन हो गया। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 8 रियाल हैं इस वक्त, ठीक है। मैं आपको इधर 10 रियाल ऐड करके दिखाऊंगा, ताकि आपको तरीका पता चल जाए आप किस तरह पैसे ऐड कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड मनी का, ठीक है, आप इधर कर सकते हैं। ऐड मनी पे क्लिक करें दोस्तों। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको ये डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ये पहले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, आपने दोबारा नीचे इधर कंटिन्यू करना है एडिट क्रेडिट कार्ड पे, और यहाँ पे आपने अपने पैसे लिख देने हैं, ठीक है। अमाउंट आप कितना इस ऐप में डालना चाहते हैं, मैं आपको तरीका बताने के लिए सिर्फ 10 रियाल ऐड करता हूँ इधर ऊपर। आपने ये पैसे लिख देने हैं, जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं इस ऐप में, वो आप पैसे लिख दें। मैं 10 रियाल लिख देता हूँ। और नीचे नेम नज़र आ रहा है, नेम की जगह आप वो नाम लिख दें जो आपका एटीएम कार्ड पे नाम है, आप वो वाला नाम अपना लिख दें इधर। मैं अपना नाम लिखता हूँ इधर। आपने नाम वही लिखना है जो आपके एटीएम कार्ड पे आपका नाम है। ये नाम मैंने लिख दिया, और नीचे आपने ये कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो आप लिख दें, ठीक है। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ इधर। ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ इधर, तो आप भी अपना नंबर लिख सकते हैं अपने कार्ड का, जो भी आपके कार्ड का नंबर है वो इधर आप लिख सकते हैं। ये मैंने कार्ड का नंबर भी लिख दिया इधर, ठीक है। इधर आप एक्सपायरी डेट, आपके जो कार्ड पे आपकी एक्सपायरी डेट शो हो रही है, आप वो लिख सकते हैं इधर, ठीक है। एक्सपायरी डेट की जगह जो आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट ऊपर लिखी हुई है वो आप लिख दें इधर। मैं अपने कार्ड की लिख देता हूँ इधर, ये एक्सपायरी डेट भी मैंने लिख दी। और ये लिखा हुआ है COCVV, ठीक है। ये आपके कार्ड के पिछली बैक साइड पे दो नंबर होते हैं, 3 अल्फाज लिखे होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। मेरे कार्ड पे तीन नंबर लिखे हुए हैं बैक साइड पे, वो आप लिख सकते हैं इधर। मैं लिख देता हूँ अपने, आपके जो भी कार्ड नंबर शो हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिख दिया सारा कुछ। अभी आपने आखिर पे डिपॉज़िट पर क्लिक करना है, ठीक है। हम डिपॉज़िट करते हैं 10 रियाल, देखते हैं किस तरह आप ये कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पूरा आ रहा है मेरे पास 10 रियाल। मैं डिपॉज़िट करना चाहता हूँ इस ऐप में। दोबारा आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे आखिर पे। ये क्या अपडेट एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट शायद मेरे ख्याल में गलत होगी मुझसे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने दोबारा लिख दिए, दोबारा आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, आखिर पे। अब ये देखें, ये मुझे मैसेज भी आ गया अल राजी ऐप पे कि मैंने 10 रियाल ले लिए हैं। अभी आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आप इधर लिख सकते हैं दोस्तों। ये कोड आ गया मेरे पास, मैं इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड मैंने पेस्ट किया, और आपने सबमिट पे नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखें दोस्तों, मनी हैज बैन एडेड टू योर अकाउंट 10 रियाल, ये आ गए मेरे पास। और बैंकर राजी का भी ऊपर मैसेज आ गया कि मैंने 10 रियाल इस ऐप में
चलिए आपने आखिर में डन कर देना है इसे, ठीक है। मेरे अकाउंट में पहले 10 रियाल थे, अभी आपको दिखाता हूँ कितने, ये देखें 18 रियाल हो गए। इस तरह से दोस्तों आप अपनी ऐप में पैसे डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप कोई पैकेज लगाना चाहते हैं, या अपने पाकिस्तानी या इंडिया किसी भी सिम पे आप अगर पैकेज लगाना चाहते हैं वो भी इधर से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।